पायल घोष और अनुराग कश्यप के विवाद में सांसद रवि किशन का रिएक्शन नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो होना लाजमी ही था। आखिरकार रवि किशन का रिएक्शन आ ही गया। रवि किशन ने कहा है कि पायल घोष ने बहुत ही भयानक, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं अनुराग कश्यप पर, और इस मामले की जांच बड़ी ही स्वतंत्रता ढंग से होनी चाहिए। हालांकि रवि किशन ने और बहुत ज्यादा नहीं बोला, लेकिन स्वतंत्रता ढंग से जांच होनी चाहिए, बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर, इतना ही कहते निकल लिए। बहुत ज्यादा रवि किशन ने नहीं कहा है, ये वही रवि किशन है जिन पर हालिया में अनुराग कश्यप ने ये आरोप लगाया कि रवि किशन आज भले ही सदन में, संसद में ड्रग मुक्त बॉलीवुड का नारा लगा रहे हैं, ये काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि वे खुद भी ड्रग लिया करते थे। हालांकि अब सांसद बन गए हैं, भले ही उन्होंने छोड़ दिया होगा, लेकिन मुक्काबाज फिल्म की शूटिंग के समय हर हर महादेव बोलकर अपने दिन की शुरुआत करने वाले रवि किशन हर 10 मिनट, हर आधे घंटे में बीट पिया करते थे, ड्रग लिया करते थे, लेकिन आज संसद में ड्रग मुक्त बॉलीवुड होने की बात कर रहे हैं। हालांकि अनुराग कश्यप के इस बयान पर रवि किशन ने यह भी कहा था कि कुछ भी कहने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी कही हुई बातें लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, और आप कानूनी प्रक्रिया, कानूनी दांवपेच को लांग रहे हैं। इस बीच अनुराग कश्यप बड़े ही बुरे फंस गए हैं। अनुराग कश्यप पर शोषण करने का आरोप लगाया है बॉलीवुड और साउथ की अभिनेत्री पायल घोष ने, जिन्होंने ये कहा है कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ ये कहा कि 200 ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध बना चुके हैं, 3 बड़ी अभिनेत्रियों के भी नाम हैं, तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो, मैं एक स्टार हूँ, एसिड तक फेंकने वाली बात पायल घोष ने दावे के साथ की है। हालांकि खबर ये भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में भी पायल घोष अब अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। इस बीच रवि किशन का बयान झकझोर देने वाला है।